द मैन टू द लैंड कि कैप्टन ने मैन को लैंड पर क्यों भेजा था किस लिए इन सर्च ऑफ वॉटर ठीक है द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू टुक फॉर टू लुक फॉर वॉटर ये देखने के लिए ये पता लगाने के लिए कि वहां पानी है या नहीं इसीलिए उसने आदमियों को वहां भेजा था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप कि आदमी जल्दी से अपनी शिप पर वापस क्यों भागता है शिप की तरफ क्यों दौड़ता है हरीली द मैन रस्ट बैक टू द शिप बिकॉज देवर चेज बाकी जाइंट बेसिकली क्या होता है, दानव या को बोलते है ठीक है एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएटर था जो उनका पीछा कर रहा था जिसकी वजह से वो सभी भागते हुए वापिस अपनी शिप का शिप की तरफ चले जाते हैं ठीक है तो ये हुए हमारे क्वेश्चन आगे चलते हैं चूज द करेक्ट आंसर तो अब आपको क्या है थ्री ऑप्शन दिए हैं आपको सिलेक्ट करना है वन ऑप्शन करेक्ट वन ठीक है जो बड़ा क्रिएचर था उसने एक रीपिंग हुआ था लिए क्योंकि वो फसल काट रहे थे कौन की ठीक है सो द ऑप्शन आर ही was फाइटिंग विद द अदर giant क्योंकि वो दूसरे giant से लड़ रहा था

Uh, उन्होंने गुलीवर को ग्राउंड पर लेटा दिया था या ग्राउंड पर छोड़ दिया था अः uh, किस लिए टू लुक एट हिम क्यों देख रहे थे वो उसकी तरफ बिकॉज दे नेवर सीन ह्यूमन बिफोर क्योंकि उन्होंने कभी पहले कोई आदमी नहीं देखा था सेकंड वन इज दे थॉट ही वाज अ डॉल उनको लगा कि वो कोई गुड़िया है एंड थर्ड वन इज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन क्योंकि उन्होंने कभी इतने छोटे जीव को नहीं देखा था तो यही ऑप्शन करेक्ट है उन्होंने कभी इतने छोटे जीव को नहीं देखा था इसीलिए वो उसको बहुत ही जेंटली प्लेस करते हैं लैंड पर और उसे बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि ये कैसा क्रिएचर है आगे चलते हैं Believer was. Believer क्या था एक फार्मर था एक सेलर था एक डॉफ था एक जाइंट था देखो फार्मर क्या होता है किसान सेलर क्या होता है नाविक ठीक है जो नाव चलाता है क्या होता है बोना और जाइंट क्या होता है दानव तो हमारे लिए कोई बहुत छोटा जीव अगर हमें देखने को मिलेगा तो हमारे लिए वो ऑफकोर्स डॉफ हो जाएगा और अगर हमसे कोई बहुत बड़ा जीव आ जाएगा तो हम उसे जैंट बोल देंगे है ना मॉन्स्टर बोल देंगे तो ऐसे ही ना तो गुलीवर क्या था डॉ था और ना ही जो बाकी के क्रिएचर थे थे वो थे. उनकी जो सोसाइटी थी वहां काफी लंबे लोग -लंबे थे और जो गुलीवर की सोसाइटी थी जहां से गुलीवर आया था वहां बहुत छोटे छोटे लोग थे तो इसीलिए वो एक दूसरे के लिए डिफरेंट थे ठीक है तो वाई वैसे हमने जो स्टोरी में पढ़ा है तो गुलीवर क्या था एक सेलर था तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट है जिसको आप तो विलुप्त हो चुका है एक्सेंट का मतलब अब उसका कोई ट्रेसिज नहीं है ठीक है अब वो खत्म हो चुका है अब हम उसे नहीं देख सकते द वर्ड बिगिन विद द लेटर डी डी से स्टार्ट होता है तो डायनासो एक ऐसा एनिमल है जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है कि बहुत ही बड़ा होता था और बहुत ही डेंजरस होता था मुंह से आग गिरती थी लेकिन अब उसके कोई ट्रेसेस नहीं है हमें उसके कंकाल मिले हैं लेकिन हम खुद से हमने उसे नहीं देखा कि वो कैसा था ठीक है तो एक डिफरेंट क्रिएचर जो कि हमने नहीं देखा जिसके बारे में हमें पता है वो क्या है डायनासोर नेक्स्ट इज फ्रॉम द टेक्स टेक्स्ट राइट द सेंटेंसेज दैट टेल्स यू द फॉलोइंग जो इनके बारे में बताया हमें वो सेंटेंसेस लिखने हैं जो जाइंट रीपर है वो फेसिनेट हो गए थे Gulliver से। इसके लिए क्या किया गया है जो में है? जो में ठीक है कि उनको बहुत ही वो मुझे अच्छे से देखने के लिए मुझे धरती पर खड़ा कर देते हैं नेक्स्ट गुलीवर वॉज अ लर्न मैन इसके लिए क्या यूज किया गया है Uh, गुलीवर देखो गुलीवर अ लर्न मैन का मतलब क्या है कि वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है जिसको बहुत ही ज्ञान हो लर्न मैन होता है जिसको ज्ञान हो लर्नेड होता है, ये है जिसको बहुत ज्ञान हो ठीक है और हमें चैप्टर में कैसे पता लगता है क्योंकि हमें ये मेंशन किया गया था कि उसने तीन चार लैंग्वेजेस में फार्मर से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि उसकी आवाज वो सुन ही नहीं पा रहे थे ठीक है तो इसके लिए लाइन यूज हुई थी आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस आप सेवरल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो आप उसमें बात भी नहीं कर सकते है ना जिसको कई सारी लैंग्वेज आएंगी वही तो बोल पाएगा जिसको लैंग्वेज नहीं आएंगी जिसने वो समझी नहीं है वो पढ़ी नहीं है तो किसी को कैसे लैंग्वेज आ सकती है है ना तो इससे पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा या समझदार आदमी था नेक्स्ट इज द फार्म सन थॉट गुलीवर वॉज अ टॉय गुलीवर को वो एक टॉय समझता है इसके लिए हमें क्या सेंटेंस दिया गया था कि वो जैसे ही देखता है कि एक छोटा सा क्रिएचर है वो उसको पकड़ता है और उसकी मुंडी को अपने मुंह में डाल लेता है, है ना तो इसके लिए सेंटेंस यूज हुआ है ऑन सी मी द चाइल्ड ग्रैप्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माय हेड इनटू हिज माउथ कि अपने, जैसे ही वो मेरे को देखता है वो मुझे पकड़ लेता है और अपना मुंह अपना सर अपने मुंह में, में मेरा सर डाल देता है नेक्स्ट इज द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हर्टेड वुमेन जो फार्मर की वाइफ थी वो एक काइंड हार्टेड वुमेन थी इसके लिए क्या यूज हुआ है लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड इससे कैसे पता लगा कि वो एक काइंड हार्टेड लेडी थी क्योंकि उसने उसको अपने बेड पर लिटाया और अपना एक नया क्लीन नीट एंड क्लीन हैंडकर मेरे को उड़ा दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था तो बेडशीट की तो उसको जरूरत नहीं थी वो हैंडकर में ही फिट हो गया था सो लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद्ली व्हाइट हैंडकर चिफ

This is because ice is very, very cold. तो यहाँ क्या बताया गया है कि जब कोई चीज बहुत ही ठंडी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये बर्फ जैसे ही ठंडी है है ना तो यहाँ जब बर्फ है वो किस चीज का प्रतीक है कि बर्फ हमेशा बहुत ही ठंडी होती है ठीक है अगर हम बोले आग की बात करें तो हमें बिना बताए पता है कि आग से हम जल सकते हैं है ना हमें उसके नेचर का पता है कि उसकी टेंडेंसी कैसी है ऐसे ही हमें आइस का पता है कि आइस क्या होती है बहुत ठंडी होती है तो वो ऐसे इतनी ठंड है जैसे कि बर्फ पड़ रही है ठीक है ना बर्फ जैसी ठंड है तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कितनी ठंड हो सकती है हम इमेजिन कर सकते हैं उस लेवल पे आगे चलते हैं नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग्स अब नीचे आपको कंप्लीट करना है यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ओके यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं इनको बॉक्स के अंदर यूज करना है As डैश एज अ feather. देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था एज कोल्ड एज आइस इसकी प्लेस पे हम ये भी यूज कर सकते हैं ठीक है किसी चीज की स्पेशलिटी बता रही है और इसी चीज से रिलेटेड हमें अच्छा यहाँ पे हमने यूज किया एज लाउड एज किस जैसी गर्जना ब्लोइंग ट्रम्पेट जैसे कोई बाजा बज रहा है बहुत ही जोर से या फिर एज लाउड एज थंडर थंडर क्या होता है जब बिजली कड़कती है तो उसके जो शोर होता है उसको थंडर बोलते हैं तो कितनी जोर से वो आवाज होती है हम समझ सकते हैं कि कितनी तेज फार्मर की आवाज हुई होगी ठीक है जैसे कि कोई बिजली गिरी हो कहीं उसका साउंड होता है वैसे ही आ, फार्मर की वॉइस है तो एज डैश एज का यूज करके हमें उसके बारे में पता लगता है अब यहाँ क्या है फेदर क्या होता है बहुत ही हल्का होता है जिसको अगर हम अपने हाथ पे रख ले तो हमें फील ही नहीं होगा तो रेड स्लो ब्लैक जेंटल वार्म स्ट्रोंग स्वीट लाइट वाइट अब कुछ कहेंगे कि फेदर तो व्हाइट होता है तो हम व्हाइट यूज कर सकते हैं या फेदर तो बहुत ही जेंटल होता है सॉफ्ट सा होता है हम ये यूज कर सकते हैं या फिर हम लाइट यूज कर सकते हैं ठीक है इन तीन के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता तो लेकिन जो फेदर की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ही हल्का होता है बहुत ही सॉफ्टली लैंड करता है जब अगर वो ऊपर से हम उसे नीचे छोड़ेंगे तो वो झूलते झूलते कोई हार्ड चीज होगी तो वो जल्दी से नीचे आएगी लेकिन जब बहुत हल्की चीज होगी उसको नीचे आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा ठीक है नेक्स्ट एज डैश एज टॉटॉयज अब टॉटॉयज की क्या स्पेशलिटी है कि वो बहुत ही स्लो होता है बहुत ही आराम से चलता है तो एस स्लो एज टॉटॉयज नेक्स्ट एज डैश एज हनी हनी कैसा होता है मीठा होता है है ना स्वीट होता है तो एस स्वीट एज हनी नेक्स्ट एज डैश एज स्नो स्नो के लिए हम कोल्ड भी यूज कर सकते हैं और व्हाइट भी यूज कर सकते हैं लेकिन व्हाइट होती है स्नो ठीक है कोल्ड अगर आता तो हम कोल्ड यूज कर सकते थे अदरवाइज व्हाइट आएगा नेक्स्ट एस डैश एज एन ऑक्स ऑक्स क्या होते, है? बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है ठीक है बैल क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी लड़ाई अगर आपने देखी हो तो आपको पता लगेगा कितनी मुश्किल हो जाता है उनसे बचना है ना तो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स एज डैश एज नाइट नाइट की स्पेशलिटी क्या है कि वो उसमें हम देख नहीं पाते है ना डार्क होती है बहुत ज्यादा नेक्स्ट एज डैश रोज रोज कैसा होता है रेड होता है ठीक है तो एज रेड एज आ रोज एज डैश एज आ टोस्ट टोस्ट क्या होता है गरम गरम होता है तो एज वॉर्म एज अ टोस्ट और नेक्स्ट इज एज डैश एज आ ब्रीज ब्रीज कैसी होती है हवा कैसी होती है हल्की हल्की मधुर मधुर जो बहुत ही सॉफ्ट हो तो एज जेंटल एज आ ब्रीज ठीक है आगे चलते हैं यूज द अबाउट एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब क्या है जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन यूज किए हैं इन्हीं को यूज करना है और कंप्लीट करना है फर्स्ट वन इज द ओल्ड मैं वाइट एज वाइट किसकी तरह स्नो की तरह Snow की तरह कि जो बूढ़े आदमी के बाल हैं वो ऐसे हैं जैसे कि बर्फ हो बर्फ कितनी सफेद होती है वैसे ही सफेद उसके बाल हैं नेक्स्ट हिस्सिट वो एज आइस ठंड की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे आइस यूज करेंगे द न्यूज पेपर बॉय एज स्लो एज अ अटॉइज ठीक है खुद पता लगने लग गया एज अ इन डिलीवरिंग द पेपर यानी कि बहुत ही सुस्त है ढीला ढाला है धीरे धीरे काम करने वाला है आई फेल्ट एज लाइट एज तो एज लाइट एज अ अदर ठीक है आफ्टर एक्सरसाइजिंग कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ही रिलैक्स या बहुत ही हल्का फील करता हूं क्रिएट योर ओन कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग अब आपको कंपेरिजन करना है से, work in pair, आप अपने friend के साथ कर सकते हैं है? कुतुब use अच्छा, कर सकते हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा आप यूज कर सकते हैं तो जित ज, ज, जितना आपको पता है कि आपके अकॉर्डिंग जितना एज टॉल एज ट्री भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खुद से करेंगे नेक्स्ट एज फॉर फास्ट एज आ फास्ट क्या होता है चीता होता है ठीक है या फिर एज फास्ट एज अ कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं तो जितनी आपकी मेमोरी काम करती है जितनी आपकी समझ काम करती है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे एज हाई एज द माउंट एवरेस्ट एज एंग्री एज बुल या ऑक्स एज टाइनी एज एन आंट चीटी से भी छोटा ठीक है बहुत छोटा सा एज ब्रेव एज सोल्जर ब्रेव कौन होता है सोल्जर ठीक है आगे चलते हैं देर आर मेनी रीजन वाई समथिंग बहुत सारे रीजन होते हैं कि क्यों कोई चीज होती है अच्छा ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आज हाफ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हाफ करेंगे देर आर मेनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन कि कई सारे रीजन्स होते हैं कोई चीज क्यों होती है जैसे इवेंट क्या है बुलीवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज बुलीवर क्यों क्लाइम नहीं कर पाता फेंस को क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और फेंस की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो रीजन क्या है एवरी स्टेप वॉज सिक्स फीट हाई क्योंकि हर सीढ़ी क्या है सिक्स फीट ऊंची है जो कि उसकी हाइट से बहुत ज्यादा थी ही सॉ वन ऑफ द जाइंट्स कमिंग टू वर्ड हिम और वो देखता है कि एक जाइंट उसी की तरफ बढ़ रहा है तो वो डर जाता है He ran to hide तो अपने आप को वो बचाने के लिए छुप जाता है जिसकी वजह से वो फेंस क्रॉस नहीं कर पाता ऑल द थ्री आर रीजन वाई बुलीव वॉज अनबल टू क्लाइम द फैंस तो ये तीनों कारण है जिसकी वजह से वो फैंस को क्लाइम नहीं कर पाता नाउ लुक एट दिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप वाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन तो अब आपको एक पिक्चर दी हुई है दो पिक्चर दी हुई यहाँ पे तो आपको ये डिस्कस करना है कि कोई इवेंट क्यों हुआ कोई ये जो चीज है ये क्यों हुई

ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल को अटैक आ गया जिसकी वजह से इमरजेंसी में जो प्ले है उसको कैंसिल करना पड़ा ठीक है अब यहाँ क्या है अंकल आंटी हैं जो कि इवनिंग में घूमने जा रहे हैं डार्क दिखाई दे रहा है दे आर वॉकिंग बिकॉज द डेस्टिनेशन प्लेस वॉज नियर बाय टू दैम ऐसा हो सकता है कि उनका घर पास में ही है या जहां भी उन्हें पहुंचना है वो जगह पास में है इसीलिए वो वॉक कर रहे हैं दूसरा वॉकिंग इन द मून लाइट नाइट आफ्टर डिनर इज गुड फॉर देयर हेल्थ दे आर वॉकिंग तो क्या होता है शाम को खाना खाने के बाद जब आप घूमते हैं तो आपको अच्छा फील होता है या जो फूड है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग घूम रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम आ, आगे डिस्कस करेंगे लेट्स राइट सेक्शन को सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव नाइस डे